इसको थोड़ा बढ़ाइए ना इसका साउंड। समाज फरमाइएगा हजरत, चार किस्में पेश कर रही हूँ, जरा तवज्जो दीजिएगा। वफा के नाम पे जो जख्म दे गया है मुझे, बिछड़ के उससे बहुत तजुर्बा हो गया है मुझे, के एहसास हो गया है मुझे। जरूर उसकी मोहब्बत में खोट था कोई, फरेब खाया तो एहसास हो गया है मुझे। चार मिसरे मुलाजा करेंगे हजरात। दिल लगाया है तो नफरत भी नहीं कर सकते, दिल लगाया है तो नफरत भी नहीं कर सकते, और हम तेरे शहर से हिजरत भी नहीं कर सकते। वाह। दिल लगाया है तो नफरत भी नहीं कर सकते, हम तेरे शहर से हिजरत भी नहीं कर सकते। आखिरी वक्त में जीने का सहारा है यही कि तेरी यादों से बगावत भी नहीं कर सकते। तेरे यादों से बगावत भी नहीं कर सकते। शुक्रिया। ये एक साहब की जानिब से तेरी यादों से बगावत भी नहीं कर सकते, उस पर खुश होकर के 200 रुपए से नवाजा है, और हमारे मंजू मसाला के हमारे शंकर मामा ने भी 200 रुपए से नवाजा। उन जुदाई का कोई एहसास अब जिंदा नहीं लगता, मगर मैं भूल जाऊंगी उसे ऐसा नहीं लगता। जुदाई का कोई एहसास अब जिंदा नहीं लगता, मगर मैं भूल जाऊंगी उसे ऐसा नहीं लगता। मुझे उससे मोहब्बत तो नहीं, अब फिर भी जाने क्यों, उसे देखो किसी के साथ तो अच्छा नहीं लगता। उसे देखो किसी के साथ तो शुक्रिया शुक्रिया अच्छा नहीं। ये नए साहब ने बहुत सारे रुपयों से मुझे नवाजा, उसे देखो किसी के साथ तो अच्छा नहीं लगता। दूर जाओगे तो कुर्बत को तरस जाओगे, दूर जाओगे तो कुर्बत को तरस जाओगे, जिंदगी भर मेरी चाहत को तरस जाओगे जाओगे। आपने इतना अच्छा शेर सुनाया है कि मेरा मूड बन गया है, मेरा भी दिल चाह रहा है कि कुछ अच्छे अच्छे अशआर सुनाओ। कि दूर जाओगे तो कुर्बत को तरस जाओगे, जिंदगी भर मेरी चाहत को तरस जाओगे। प्यार के फल की तरह मैं भी बहुत कीमती हूँ, मुझसे बिछड़ोगे तो लज्जत को तरस जाओगे। मुझसे बिछड़ोगे तो लज्जत को तरस जाओगे। अभी आप लोग उधर से बड़ी प्यारी प्यारी बातें सुनी, बहुत हसीन गजल सुन रहे थे, तो ये चार मिनट सुन ले, क्योंकि मैं कुछ और गजल पढ़ने वाली थी, लेकिन आप लोगों को देख के मेरा थोड़ा मूड चेंज हो गया, तो मैं ये गजल पढ़ रही हूँ। इससे पहले चार मिसरे सुन ले, उसके बाद मैं गजल का मतलब पेश करूंगी। कहना है जिंदगी दर्द के सहरा में बिखर जाएगी, जिंदगी दर्द के सहरा में बिखर जाएगी, अब ये चाहत तेरी नजरों से उतर जाएगी। जिंदगी दर्द के सहरा में बिखर जाएगी, अब ये चाहत
तेरी नजरों से उतर जाएगी। बाल खोले हुए बैठी हूँ तेरे कमरे में, मुझसे बिछड़ेगा तो तन्हाई भी मर जाएगी। बहुत हसीन गजल पेश कर रही हूँ, बस आप लोग इन मिजाज को देखते हुए, भाई के नाम से मैं वाकिफ नहीं हूँ। विक्रम इलाहाबादी जी, गजल का मतलब जरा सुनिएगा, कहना है कि जब मुझे उसने किया वीरान है, आबाद तो कर लेने दो, वीरान है
आबाद तो कर लेने दो, मखमूम है दिलशाद तो कर लेने दो, पीने के लिए जिसने किया है मजबूर उस बेवफा को याद तो कर लेने दो, पीने के लिए जिसने किया है मजबूर उस बेवफा को याद तो कर लेने दो, रंजूर को मसरूर तो कर देती है, रंजूर को मसरूर तो कर देती है, हर हद से बहुत दूर तो कर देती है, और है लाख बुरी चीज ये वादा लेकिन, है लाख बुरी चीज ये वादा लेकिन, अल्लाह कसम सच कहने पे मजबूर तो कर देती है। उनका जब उनका जब आया कोई, उनका जब आया कोई पैगाम बहरी मर्दबा, उनका जब आया कोई मर्तबा। तो विक्रम जी, मिल गया दिल को मेरे, मिल गया दिल को मेरे, आराम पहली मर्तबा, मिल गया दिल को मेरे, आराम क्या कहना है, आखिरी सांसों में जब, आखिरी सांसों में जब दीदार उनका हो गया, आखिरी सांसों में जब दीदार उनका हो गया, दीदार उनका हो गया। इकबाल मत रो, हम फरमाइश सुना देंगे इसके बाद, क्या करोगे, हम लोग आर्टिस्ट हैं, वक्त और माशाल्लाह ऐसे सुनने वाले लोग बैठे हैं। लाडले भाई जरा सुनिए, आखिरी सांसों में जब, आखिरी सांसों में जब दीदार उनका हो गया, क्यों इंतजार यार आया, इंतजार यार आया, अजी इंतजार यार आया, कौन पहली मर्तबा, शेर आप पहले सुन ले। मैं जानती हूँ कि आप मेरे हस्बैंड के बहुत सच्चे दोस्त हैं। अभी आपको मेरी बात सुननी है, बहुत सुन चुके हम, अब आपको मेरी सुननी है। पहले ये शेर सुने विक्रम बाबू। मैंने जब मेहंदी लगाई, मैंने जब मेहंदी लगाई दूसरे के नाम की, आप लोग कव्वाली सुनते सुनते खुद भी आधे कव्वाल हो गए हैं, और वाकई सच्चे कलाकारों की पहचान है आप लोगों के पास। मैंने जब मेहंदी लगाई दूसरे के नाम की,
मैं इनका नाम ही भूल जाती हूँ। लाडले भाई इनका नाम क्या है भाई? अच्छा नन्हे साहब, नन्हे साहब राजा भाई, नन्हे भाई पहले शेर सुनिए आप लोग। राजा बाबू मैंने जब मेहंदी लगाई दूसरे के नाम की तो विक्रम जी राजा साहब को क्या हुआ? उसके चेहरे पे मोहब्बत की चमक आज भी है, उसके चेहरे पे मोहब्बत की चमक, मोहब्बत की चमक आज भी है उसको, हालांकि मेरे प्यार पे शक आज भी है, हालांकि मेरे प्यार पे शक आज भी है। हम जहां रोज मिला करते थे चुपके चुपके, नन्हे बाबू ने ये 200 रुपए से नवाजा है। आए हाय क्या हसीन विक्रम जी, आप उठे तो बस नवाजने के लिए, बोलने के लिए नहीं। पहले ये शेर सुनिए। उसके चेहरे पे मोहब्बत की चमक आज भी है, उसको हालांकि मेरे प्यार पे शक आज भी है। हम जहां रोज मिला करते थे चुपके चुपके, याद मुझको वो पुरानी सी सड़क आज भी है। नाव में बैठ के धोए थे कभी हाथ अपने, नाव में बैठ के धोए थे विक्रम साहब और नन्हे बाबू, नाव में बैठ के धोए थे कभी हाथ अपने, क्योंकि सारे तालाब में मेहंदी की महक आज भी है। मैंने जब ये आपके बहुत सच्चे दोस्त है ना, तो ये शेर सुनिए। हाय हाय ये हमारे नन्हे बाबू ने मेहंदी लगाने के लिए 500 रुपए दिए हैं। नन्हे बाबू ये चार दूसरे, अभी मैं पहले मेरा शेर सुनिए, पहले आप शेर सुनिए। मेरे जमाने को मुझसे, मेरे जमाने को लाइए, पहले लाइए ना शेर सुना रहे हैं। मंजूर साहब की जानिब से 100 रुपए विक्रम जी ने दिए हैं। नन्हे बाबू मेरे जमाने को मुझसे यही शिकायत है, मेरे जमाने को मुझसे यही शिकायत है। मैं क्या करूं, मुझे सच बोलने की आदत है, मैं क्या करूं, हाँ मुझे सच बोलने की आदत है। मैं तुझको सोच तो सकती हूँ, छू नहीं सकती। हाँ नन्हे बाबू, हाँ फुर्सत नहीं है ना हमको, मैं तुझको सोच तो सकती हूँ, छू नहीं सकती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तू गैर की अमानत है। मैंने जब मेहंदी लगाई, मैंने जब मेहंदी लगाई दूसरे के नाम की, तो उनके दिल में मच गया, कदम पर हर कदम पर सच का हाथों, हर कदम पर सच का हाथों, ये सजा हमको मिली हर कदम पर सच का हाथों, ये सजा हमको मिली।
कितने मेरे सर लगे हैं, कितने मेरे सुनने के लिए आई। ये भी बहुत अच्छी फनकार है, मैं दिल से इनकी इज्जत करती हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा एक इनका दौर था। इन्होंने मुझे 251 रुपए से नवाजा। वैसे ये पैसे हैं, लेकिन मेरी नजर से देखा जाए तो ये बहुत अनमोल मुझे इन्होंने नवाजा है। एक इतनी अच्छी फनकार ने छोटी मोटी फनकार को नवाजा, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये आगे का शेर जनाब आपसे भी तवज्जो चाहूंगी। कहना है जिंदगी भर दौड़ में मसरूं। इंसान अपनी जिंदगी में इतना खोया हुआ रहता है विक्रम साहब कि खुद के लिए भी वक्त नहीं निकाल पाता है। शायर ने क्या प्यारी बात पेश की है जनाब, इस शेर पे तवज्जो। मसरूफ थे बात मरने